अब देखिए ये जो नॉर्म्स मैंने आपको कल बताई थी, आई हैव ओनली चेंज द डेट। मंडे लिखा हुआ, कल संडे था, आज आपके कल फर्स्ट वीडियो लिखा था, आज सेकंड वीडियो। अब मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें हमने अब पढ़ी हुई हैं, अब इसके बेस में मैं अब आपको सवाल बताऊँगा। इज इट क्लियर? फाइन। देखिए सही, अब देखो मैंने उतनी चीज़ें लिखाई आपको, उसके हिसाब से आप जाएंगे तो आप कॉम्पिटिशन लेवल आपका होगा, और अगर आप NCERT के हिसाब से जाएंगे तो ये खाली क्लास प्रमोट होगी आपकी। बस जितना मैं इतने सालों से मैं देख रहा हूँ बना दे पा रहे हैं। अभी देखिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 2.1 का देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे फॉलोइंग है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का इन वन वेरिएबल है एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है आपका नाम। अब आपका देखो ये क्वेश्चन आपने लिया, देखो इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा, आपका जो बना देखो 4x³ - 3x और प्लस 7, 4x³ है ना, कि स्क्वायर है, स्क्वायर इसका। अब आप देखो कायदे से अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो 4 इज ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो अब आप पहले बताने से पहले दो 4 इज अ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिए -3 इज अ कोफिशियंट ऑफ देखो आपका x, और 7 इज ए कॉन्स्टेंट। अब कायदे से तो इसको देखिए, इसके मतलब ये ट्राइनोमियल है, तीन टर्म है, 4x² - 3x + 7 आपका, लेकिन ये पूछ क्या रहा पहले दिमाग पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सी होती है आपका नाम। अगर आपका इसमें मैंने खाली एक जनरल आइडिया कल आपको दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, क्यों झूठ बोलना है ना। देखो इसमें ये सारी चीज़ें जैसे आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये आपकी जीरो पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम, एलजेब्रिक इक्वेशन, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर फैक्टर्स, उसके बाद ये कीवर्ड है, इसके बाद आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है, उसके बाद उसके अंदर भी टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स आते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके अंदर आते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं जैसे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर टाइप्स ऑफ मोनोमियल में अकॉर्डिंग टू द टर्म्स आती हैं कि आपका जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें। बहरहाल मैंने जो लिखाया था अगर आप इससे जोड़ना चाहें तो इसकी जयराम जी की हो जाएगी। बहरहाल अब मैं NCERT मैंने आपकी पकड़ी है तो पहले मैं इसको देखो आपको, तो ना अब देखो 4x² - 3x + 7 है, तो ना सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x, एक्सपोनेंट x आपका देखो ना, एक्सपोनेंट ऑफ x या ईच x लिखो, इसका एक्सपोनेंट जो है आपका ना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर आपकी कितनी है, इज इट क्लियर, इन ईच होल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए अब आप जरा स्ट्राइक करिए, होल नंबर क्या होता है, देखिए द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जीरो से जो स्टार्ट होती है वो आपके होल नंबर होती है, अगर जीरो से जो स्टार्ट नहीं होंगी वो वन से स्टार्ट होंगी तो वो नेचुरल नंबर होगी। अब बच्चा कंफ्यूजन कि यार रावत सर ने तो सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ ईच एक्स इज अ होल नंबर लिख दिया, लेकिन यहां पे तो कुछ है नहीं, यहां पे भी है, ये भी अंडरस्टूड है, ये क्या है x की पावर 0। अब देखो पावर आपकी क्या हो रही, नीचे आपकी लोअर हो रही, पावर इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो इक्विवेलेंट टू 1 होती है, या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इक्विवेलेंट टू आपका क्या होता है 1, तो 7 × x^0 आप लिख सकते हैं, तो नाम देखो इसीलिए आपका सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x आपका ऑफ ईच x इज अ होल नंबर आपका हो गया। क्लियर सर? जब ये हो गया
अब आपका नादर हो, तो डियर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा, लेकिन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स 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 वन वेरिएबल एक्स में पॉलीनोमियल। इस सब के लिए डू इट, फिर अगले पे जाता हूँ। नाउ प्लीज, मतलब ये मेरे हिसाब से नाइन्थ का स्टैंडर्ड नहीं है, ये सेवंथ एट्थ का स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी दिया है, हम क्या कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाई स्क्वायर और प्लस रूट टू और वाई की पावर जीरो लिख देंगे, क्योंकि देखो क्योंकि वाई की पावर जीरो इज इक्वल आपका क्या होगा, वन। तो ये चीज जब नहीं लिखी हो तो वही जो सेम वेरिएबल पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया सर। तो अब आपका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वाई ऐसा होल नंबर जीरो भी है और आपका ना टू भी है आपका ना, देखो क्लियर हो गया सर। इसका मतलब डियर फोर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल वाई, श्योर सर। तो ये वाई बोल, प्लीज डू इट नाउ। अब देखिए थर्ड में आपका देखिए ना, थर्ड में आपका देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखो आपका थ्री इंटू टी की पावर वन बाई टू, देखिए रूट अगर होगा रूट ऐसे स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं, तो ये वन बाई टू में कन्वर्ट हो जाता है। इफ दैट इज आपका देखो ये थ्री इसके साथ बिल्कुल लगा हुआ है, ये आपका क्यूब रूट कहते हैं इसको, ये वन बाई थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका देखो ना फोर्थ रूट इसके साथ चिपका, अगर ये ऐसे हैं इसको फोर्थ रूट नहीं पड़ेंगे, वेन इट इज वेरी मच क्लोज टू दिस वन तो आपका फोर्थ रूट, तो ये भी देखो आपका वन बाई फोर में आपका आ जाएगा। इसको कहते हैं nth रूट, nth रूट, तो ये आपका मीन्स यानी कि n टू भी हो सकता थ्री भी हो सकता है, ये टू है ये थ्री है फोर nth रूट, ऐसे इसको क्या क्या है? जो स्क्वायर रूट ऑफ टी था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया वन बाई टू में और प्लस ये टी इंटू रूट टू, इसका कोई मतलब नहीं। अब आपका देखो ना रिजल्ट क्लियर, तो ना देखो सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ टी 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 इज वन बाई टू, वन बाई टू इसका मतलब वन बाई टू का मतलब विच इज नॉट ए होल नंबर, होल नंबर नहीं है, वन बाई टू है तो आपका जब ये होल नंबर नहीं होगा इसका मतलब ये आपका क्या पॉलीनोमियल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज, तो नाउ therefore now it is not a polynomial, इसलिए यह आपका polynomial नहीं होगा, ठीक है सर please do it। Now अब यह क्वेश्चन है आपका देखना y plus 2 upon y आपका, अब आपका देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो 2 sorry y और a plus ये 2y की पावर minus 1 y it is, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट का होता है, किताबों में तो नहीं है लेकिन आप बना सकते हो, वन अपॉन एक्स की पावर एन, जब आएगा जो फर्स्ट चैप्टर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने एक्सपोनेंट भी उसके साथ जुड़ा होगा, तो वो आपका अगर पढ़ाया होगा तो ये ऐसे फॉर्मूला जाता है। बारह अब आप y प्लस टू की इंटू ये y की पावर वन है, y की पावर वन जब ऊपर जाएगी प्लस वन ऊपर जाएगी इट इज इन द डिनोमिनेटर, when it will go in a numerator, so the plus 1 will be changed into the minus 1 after all. Is it clear sir? So now, iska matlab the exponent of y in ye wala in second term is minus 1. Theek hai sir, minus 1 hoge, so which is not a
होल नंबर, जो होल नंबर नहीं है, जब होल नंबर नहीं है तो देयर फोर आपका नाम ये नाउ इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, तो ये आपका पॉलीनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? इज इट क्लियर? प्लीज डू इट नाउ। इन द लास्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर कितनी है? 50 है। ओके नाउ डू नाउ सिंस in this question we have three variables x y and t, x bhi hai y bhi hai hamare paas t bhi hai, is it clear sir? To iska matlab kya ho gaya, ye aapka na have the power which are whole number, डिवाइड नहीं है, 10 इज ए होल नंबर, 3 इज ए होल नंबर एंड 50 इज ए होल नंबर। तो नाउ इसका मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल, इट इज ए पॉलीनोमियल इन ना थ्री वेरिएबल, इन थ्री वेरिएबल, यस सर, थ्री वेरिएबल्स एक्स कॉमा वाई एंड ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना? इसका मतलब नॉट इन वन वेरिएबल, not in one variable। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या पॉलिनोमियल देखना था, तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, उनकी पावर जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो जीरो वन टू थ्री फोर वट एवर इज देयर, लेकिन हाफ नहीं होनी चाहिए, वन बाई थ्री नहीं होनी चाहिए, जो होल नंबर नहीं है इसका मतलब दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर सर? इससे जो निचोड़ निकला कंक्लूजन, इज इट क्लियर? सो नाउ इसका कंक्लूजन, इन ऑल फाइव क्वेश्चंस नाउ इफ द पावर्स ऑफ आइदर वन वेरिएबल और डिफरेंट वेरिएबल, इफ द पावर्स, ये पावर्स का मतलब देखो डिग्री, अपन है आइदर वन वेरिएबल और डिफरेंट वेरिएबल आर होल नंबर्स, अगर ये होल नंबर्स है देन दे आर द पॉलिनोमियल्स, अदरवाइज नॉट। इसका जो कंक्लूजन हमने निकाला वो ये निकाला, पांचों क्वेश्चन का निचोड़ निकाल दिया, इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।